सुरखी विधानसभा उपचुनाव मतदान के चलते वार्ड क्रमांक 3 के निवासी 53 वर्षीय जमुना प्रसाद अहिरवार पैरालिसिस से जूझ रहे थे। उनकी इच्छा थी कि वे मतदान करने जाए। उनके पुत्र कार से मतदान केंद्र ले गए और मतदान करवाया। पुत्र सुदीप अहिरवार ने अपने पिता की इच्छा अनुसार अपने पिता का मतदान किया और अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। दीपक जैन डेनी ने बताया कि मेरे चाचा जमुना प्रसाद वार्ड के सम्मानीय वरिष्ठ नागरिक है और उनकी हमेशा इच्छा रही है मतदान करने की। मैं स्वस्थ रहूं या अस्वस्थ मतदान जरूर करूंगा। दीपक जैन डेनी ने उनका और उनके परिवार का आभार जताया। सागर जिले के राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। क्या नाम है आप? हमारा नाम सुदीप कुमार अहिरवार। ये आपके पिताजी हैं? हाँ, ये हमारे पिताजी। इनको क्या स्वास्थ्य में क्या प्रॉब्लम? इनके लिए 5 बार पैरालिसिस हो गया है, इसकी वो अचेत अवस्था में आ गए। इनका नाम जमुना प्रसाद अहिरवार। तो आप वार्ड नंबर 3 के निवासी मतदान कराने ले गए थे जी। इनका आपने किया? हाँ, इनका मतदान हमने किया, उनकी इच्छा से किया। उनकी मतलब इच्छा थी कि हमें और मतदान करने का, जब भी अवसर मिले तो मतदान करें जी। अब वो अचेतन हो गए तो हमने किया उनका मतदान, उनको साथ में ले गए थे। अच्छा, ठीक। हमारे चाचा जी हैं जमुना प्रसाद अहिरवार जी, जी। हमारे वार्ड के बड़े सम्मानीय और वरिष्ठ नागरिक, और उनकी हमेशा इच्छा रही है कि जब भी आपकी ज़रूरत रहेगी जी तो मैं मतदान करने, चाहे स्वस्थ हूँ चाहे अस्वस्थ अवस्था हूँ, मैं जरूर करूँगी। तो आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको और उनके बेटे, उनके पूरे परिवार को, कि ऐसी स्थिति में शायद कोई अपने पिताजी को नहीं ले आता जो बिल्कुल ही निश्चेतन अवस्था में है। लेकिन आज परिवार और सारे लोगों ने हमारी बात मानी और अपना अमूल्य मत का उपयोग किया, जो कि हमारे सुरखी विधानसभा क्षेत्र की विकास और तरक्की के लिए आवश्यक था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।